नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना है, लोगों को ये बताना है कि पर्यावरण हमारे लिए कितना ज़रूरी है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो पर्यावरण को बचाना बेहद ज़रूरी है। पर्यावरण दिवस के मौके पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश की जाती है। विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1972 में मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान की गई थी। स्टॉकहोम सम्मेलन में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक व्याख्यान भी दिया था। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह भारत का पहला कदम था। इस ऐतिहासिक घटना ने वैश्विक पर्यावरण कूटनीति की शुरुआत को चिन्हित किया। पहला विश्व पर्यावरण दिवस साल 1974 में सेलिब्रेट किया गया। इस साल का थीम केवल एक पृथ्वी रखा गया था। इस दिन को सेलिब्रेट करने का उद्देश्य लोगों के बीच पर्यावरण को लेकर जागरूकता फैलाना है, साथ ही लोगों को पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग, ब्लैक होल प्रभाव आदि के बारे में जागरूक करना है। इस साल विश्व पर्यावरण दिवस की थीम हमारी भूमि रखा गया है। सऊदी अरब विश्व पर्यावरण दिवस 2024 वैश्विक समारोह की मेजबानी करेगा। वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल भौतिक श्रेणी का गठन करते हैं और जैविक श्रेणी में मनुष्य और अन्य जीवित प्राणी शामिल हैं। सरल शब्दों में पर्यावरण को सभी जैविक और अजैविक घटकों के बीच संयोजन और अंतर संबंध के रूप में परिभाषित किया गया है। दोस्तों, 5 जून आ गया है और इस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, तो आप भी इस दिन एक कसम खाएं कि इस दिन आपको एक पौधा अवश्य लगाना है और वह पौधा अपने बड़े बुजुर्गों के नाम लगाना है, ताकि हम उनके नाम के पौधे को पेड़ में पानी और खाद देते रहें। जब वो बड़ा हो जाएगा तो हमें फल भी देगा, छाया भी देगा और प्रदूषण रहित वायु भी देगा। दोस्तों, ये आपको कसम खानी है और जो जो साथी इस बात पर अपनी शपथ लेते हैं वो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। नमस्कार।